गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एकता और आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मीशो ओवरसाइज टी शर्ट हॉल अंडर 300 रुपीज़ ओनली। मैं इनको ऑलरेडी वेयर कर चुकी हूँ सभी को और एक बार धुल भी चुकी हैं, तो उसके हिसाब से आई एम सेइंग कि इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। 300 रुपये के हिसाब से अंडर 250 भी आपको इसमें मिल जाएंगी। तो अगर आपको ओवरसाइज टी शर्ट पहनना पसंद है मेरी तरह, डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। एंड चलिए लेट्स गेट स्टार्ट विद द हॉल। सभी के लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो चेक कर लेना। सबसे पहली जो टी शर्ट है गाइस, वो है ये वाइट कलर की एंड इस पर आपको बहुत अच्छा प्रिंट देखने को मिल जाएगा, काफ़ी क्वर्की सा। देखो बहुत क्यूट से डायनासोर भी बने हुए हैं इस पर। ऐसा कुछ आपको पैटर्न मिलेगा और देखो थोड़ा सा टाई डाई प्रिंट भी आपको मिलेगा, लिखा हुआ भी मिलेगा, डायनासोर का प्रिंट भी मिलेगा। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा क्यूट टी शर्ट है एंड शॉर्ट्स पे पहन सकते हो आप, स्कर्ट पे पहन सकते हो या जीन्स पे पहन सकते हो। मेरा साइज़ है इसमें स्मॉल एंड स्मॉल मेरे जैसे स्किनी के लिए तो सही आ रहा था फॉर एन ओवर साइज टी शर्ट। एंड डेफिनेटली इसको मैं एक बार पहन चुकी हूँ तो आई कैन रिकमेंड यू गाइस कि इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। अच्छा, इसके फैब्रिक मैं बता देती हूँ, आई थिंक लाइक्रा फैब्रिक है, लेकिन गर्मियों में मैं लाइक्रा पहन लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है पर्सनली। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को भी कम्फर्टेबल लगेगा, आप में से बहुत लोगों को, तो मैं डेफिनेटली इसको रिकमेंड करती हूँ। नेक्स्ट है ये ब्लैक टी शर्ट जो कि ऑल ओवर मीशो मेरे को देखने को मिली एंड ये है ब्लैक कलर की टी शर्ट जिसपे आपको ये ब्रुकलिन न्यूयॉर्क लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये भी स्मॉल साइज़ है इसमें मेरा एंड इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन ब्लेंड है, आई थिंक रेयॉन है, तो बहुत सॉफ्ट है, वेयर करने में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है इसका एंड काफ़ी परफेक्ट आती है ये। और गाइस 300 के अंदर आपको टी शर्ट मिली है, बहुत ही अमेजिंग एंड आई थिंक इसमें ना कोई कलर वलर भी नहीं निकला था जब ये धुली, इसको भी मैं पहन चुकी हूँ। हर टी शर्ट को मैंने एक बार ज़रूर पहन के धुल भी लिया है, काइंड ऑफ ये आफ्टर वॉश रिव्यू भी है। नेक्स्ट आई हैव इज दिस टी शर्ट जो कि है डार्क ब्राउन कलर में एंड इस पर लिखा हुआ है लॉस एंजलिस। ये जो प्रिंट है ये आपको यहीं मिलेगा, मेरा साइज़ है इसमें स्मॉल। ये वाली ब्रांड आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाती है और मीशो पे भी मिल जाती है। मीशो पे तो काफ़ी सस्ती मिल गई, अंडर 300 मुझे ये टी शर्ट मिल गई। इसका भी फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है वेयर करने में एंड ये जो मानसून का सीज़न चल रहा है गाइस, इसमें ऐसे ही ढीले ढाले कपड़े पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड पर्सनली आई लव ओवरसाइज टी शर्ट, लाइक आई कैन लिव इन दिस टाइप ऑफ टी शर्ट। तो हाईली हाईली रिकमेंड टू यू गाइस, इसे भी मैं पहन चुकी हूँ। नेक्स्ट है गाइस ये वाइट कलर की टी शर्ट जिसपे लिखा हुआ है ओवर थिंकिंग एंड ये मेरे लिए ही बनी हुई है क्योंकि मैं ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करती हूँ। लेकिन टी शर्ट पे आ जाते हैं आप, वाइट कलर की टी शर्ट है, वही सेम फैब्रिक है बट क्या है ना कि ये वाइट कलर है तो आपको सी थ्रू बहुत ज़्यादा लगेगी ये, क्योंकि कपड़ा इसका थोड़ा सा हल्का है, वाइट के हिसाब से ज़्यादा थिक सा होना चाहिए ताकि दिखे ना, लेकिन सीरियसली ये काफ़ी थिन है। तभी ये ही टी शर्ट है एक जिसको मैंने अभी तक नहीं पहना है, इसके अंदर आपको डेफिनेटली पूरी इनर पहननी पड़ेगी तब जाके यू नो आपको थोड़ा सा सही लगेगा, कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि वरना तो इसमें तो आराम से ब्रा दिख जाएगी, बहुत ही ज़्यादा सी थ्रू है ये। बट इसका जो प्रिंट है वो मुझे काफ़ी सही लगा, काफ़ी रिलेटेबल लगा और हाँ ये टी शर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वाइट टी शर्ट तो लगती ही अच्छी है। नेक्स्ट एंड लास्ट टी शर्ट पर आ जाते हैं गाइस, तो ये टी शर्ट है जो कि मैंने बहुत लोगों के पास देखी थी एंड ये है बर्नट ऑरेंज कलर में जिस पर लिखा है स्टे ग्रूवी, ठीक है। ये वाली ब्रांड भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, सेम ही ब्रांड है जो मैंने दिखाई थी। तो ये कलर बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बर्नट ऑरेंज कलर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, पॉपअप कलर है और इस पर जो ये प्रिंट बना हुआ है ग्राफिक प्रिंट ये भी बहुत सही लग रहा है, इसको भी मैं पहन चुकी हूँ और ये भी कॉटन ब्लेंड मटेरियल है और धुलने के बाद ये सारी की सारी टी शर्ट काफ़ी सही निकली हैं मेरे को कहना पड़ेगा।
तो मेरी तरफ से जितनी भी टी शर्ट हैं वो तो आप ख़रीद ही लो, मीशो पे अंडर 300 आपको टी शर्ट मिल रही हैं। और भी थी टी शर्ट बहुत सारी, मैंने तो 5 ही इंक्लूड किए हैं इस हॉल में, लेकिन आई लव ओवरसाइज टी शर्ट कलेक्शन मीशो पे, डेफिनेटली आप चेक करना। एंड सभी के लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो ख़रीदना हो तो वहाँ से जाके आप ख़रीद सकते हैं। एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हैं आप। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।